नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक नया सर्किट इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। इस ये ओनिडा एक पिक्चर ट्यूब है, इसके अंदर आज मैं आपको इसके अंदर एक नया सर्किट जो कि मार्केट का है वो सर्किट मैं आपको इसमें इंस्टॉल करूँगा। ये सर्किट देख रहे थे तो हाई क्वालिटी टी वी बोर्ड है, इसको मैं ओपन करता हूँ। पर इसके बाद आता कैसे है तो आपको देख रहे थे, ये टीवी का रिमोट है जो इसके साथ ही आता है, और इसके साथ जो कि केबल है, सब केबल किस तरीके से है इसका मेन वायर है। इसका मेन वायर है, ये हमारा ऑडियो वीडियो के लिए जो कनेक्टर है ये तो कनेक्टर है, और यहाँ पर जो है कि ये सेंसर आईआर है और एक की के लिए है। तो आईआर का मैं तोड़ के अलग कर लेता हूँ इस तरीके से, ये आईआर का अलग हो गया और की का अलग हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पर दो जो नीचे के हैं ये आपका वर्टिकल है, और ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टल है। और ये हमारा ये अर्थिंग है जो कि पिक्चर ट्यूब पे आपको इस तरह से लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं अर्थिंग लगा हुआ है यहाँ पर, ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं, तो ये ग्राउंडिंग के लिए दिया हुआ है। तो इसका मोस्ट ऑफ टाइम यूज नहीं होता इसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अर्थिंग दिया हुआ है। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ और सर्किट निकाल लेता हूँ। ये वो सर्किट है, अभी आजकल के जो सर्किट आ रहे हैं इसके अंदर आपको देखिए ब्लैक कलर का एक प्रोटेक्शन आ रहा है, ताकि आते समय जब भी हम ये ट्रांसपोर्ट होता है सर्किट तो ये ब्रेक ना हो आते जाते, इसीलिए इसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है ब्लैक कलर का। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किट के अंदर, यहाँ पर वर्टिकल ये दो है, वर्टिकल के ये दोनों हॉरिजॉन्टल के हैं, और साइड में अगर आपका विड्थ कम आता है तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो रेड वाले वायर को। अगर आपका विड्थ साइड विड्थ कम आता है तो आप हॉरिजॉन्टल का जो रेड वाला वायर होता है, ये जो रेड वाला वायर है इसको आप पहले फर्स्ट टाइम आपको ये मिडिल पे लगाना है, मिडिल पे लगा के आपको चेक कर लेना है, अगर इस पर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको वन बाय वन एक एक में डाल के आपको देखना पड़ेगा ये किस पे सही आता है किस पे सही नहीं आता है। जिस पे सही आएगा आपको इस पे लगा के छोड़ देना है। तो इस तरह से है, ये हमारा आईआर का है, यहाँ पर आपका आईआर का लगेगा, ये आपका कीबोर्ड का है, आईआर के ठीक बाजू में कीबोर्ड का रहता है, कीबोर्ड मतलब की, ये की, कीबोर्ड मतलब की, और यहाँ पर हमारा साउंड का लगेगा, तो साउंड आईसी है, साउंड के उसके बगल में साउंड का कनेक्टर है। और यहाँ पर आपका मेन वायर लगेगा, जो कि मेन वायर आपको इस तरह से है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मेन वायर लगेगा। यहाँ पर देखिए कि दो सेम कनेक्शन दिया है, सेम कनेक्टर दिया है, यहाँ पर एक यहाँ पर भी दिया और ये यहाँ पर भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। रीज़न यही है कि इसके बगल में पीटीसी दिया है, पीटीसी के बगल में आपका डिगोजिंग का वायर लगता है, डिगोजिंग का वायर हम आपको दिखाते हैं इस तरह से, ये डिगोजिंग का वायर है जो टीवी के साथ ही लगा होता है, ऊपर का डिगोजर रहता है उसके साथ ही ये लगा हुआ है। तो यहाँ ये वायर आपको यहाँ पर लगाना रहता है, आप सर्किट में देख लीजिए, ये वायर आपको यहाँ लगाना होता है, और पावर का कनेक्टर ठीक फ्यूज के बाजू में लगाना होता है। तो मैं चलता हूँ सर्किट को इसके अंदर डालने के लिए, इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में लगाना है, वर्टिकल वर्टिकल में लगाना है, तो ये मेरे दोनों मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों मेरा वर्टिकल है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है और वर्टिकल इसका पीछे साइड है। तो ये दोनों वायर को निकाल लेता हूँ पहले,
शोल्डर काफ़ी दिन का है तो इसीलिए जो काफ़ी हार्ड हो गया है। इस तरीके से मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वायर यहाँ से निकाल दिया, इसका ओल्ड वाला। अभी मैं इसके अंदर न्यू लगाता हूँ। न्यू इस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि इसके अंदर शोल्डर लगाता हूँ ताकि ये लगाने में मुझे इजी हो। तो सबसे पहले मैं सबको शोल्डर लगा लेता हूँ। इस तरीके से सभी को इस तरीके से लगा लेना है ताकि आपको लगाने में योग के ऊपर इजी हो। अभी आपको जिस तरीके से रेड का वायर लगा था जहाँ पर, वहाँ पर रेड का वायर लगा देना है आपको। यहाँ पर रेड का वायर लगा था तो मैं यहाँ पर रेड का वायर लगा देता हूँ। ब्लू वायर लगा देना आपको। यहाँ पर मैं व्हाइट का व्हाइट वाला वायर लगा देता हूँ। और लास्ट में मुझे ब्लैक वाला वायर लगा देना है यहाँ पर। इस तरीके से मेरे सारे वायर लग गए हैं। थोड़ा अच्छे इसको सोल्डर करता हूँ। तो ये सभी कनेक्शन मेरा लग गया, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का। तो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इसको इस तरीके से। पहला काम ख़त्म। यहाँ पर इसको मैं पहले बताया आपको सेंटर में प्लेस करना है, तो सेंटर में डाल देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे बेस का वायर लगा देना है, यहाँ पर बेस कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद लास्ट जो वायर आता है एसटी का कैप, एसटी के ऊपर लगा देना है आपको यहाँ पर साइड में इस तरीके से। एसटी का वायर लग गया। अभी ये मेरा यहाँ पर बैठेगा नहीं, आप देख सकते हैं डिगोजिंग का मेरा यहाँ पर बैठेगा नहीं, साइड से देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको बाद में लगाऊंगा ऐसा कट करके, मुझे यहाँ पर शोल्डर मारना पड़ेगा वायर को। तो अभी मैं सबसे पहले कीबोर्ड की का वायर लगाता हूँ यहाँ पर। की का वायर लग गया। यहाँ पर मेरा एबीओ का वायर है, एबी का वायर लगा लेता हूँ यहाँ पर। एबी का वायर यहाँ पर लगेगा तो मैं एबी का लगा लेता हूँ। उसके बाद ये मेरा आईआर का है तो आईआर का मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कीबोर्ड के ठीक बाजू में इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे सारे कनेक्शन लगभग लगभग लग चुके हैं। अब मुझे मेन वायर लगाना है ग्राउंड का। ये मेरा ग्राउंड है, अर्थिंग जिसको बोलते हैं हम ग्राउंड। ये पूरे पिक्चर ट्यूब को ग्राउंड का ग्राउंड है ये। तो ये मुझे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट वायर है, इसको आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे ग्राउंड, ये जो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टर दिया है, यहाँ पर ऊपर कनेक्टर दिया हुआ है। तो ठीक इसको ही आपको ज्वाइन कर देना है इसको। इस तरीके से अच्छे से आपको उसको ज्वाइन करना है।
कनेक्टेड है पावर का, और मुझे पावर का कनेक्शन दे के और मुझे पिक्चर देखना किस तरह से पिक्चर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर पावर का कनेक्शन यहाँ पर देता हूँ इस तरीके से, पावर कनेक्शन दे दिया। अभी मुझे पिक्चर को देखना है पिक्चर किस तरीके से आता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा अभी। तो मैं सबसे पहले पावर कनेक्ट कर लेता हूँ, पावर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर LED ग्लो हो गई है, आप जैसे सामने पिक्चर भी आ गया है, आप पिक्चर देख लीजिए सामने, तो पिक्चर भी आप देख सकते हो उल्टा आ रहा है, आप देख सकते हो पिक्चर वो उल्टा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले ए बी मोड पर डालता हूँ, इससे पहले यहाँ पर मुझे वीडियो देना पड़ेगा, वीडियो मुझे दे देता हूँ इसको। आप देख सकते हो सामने वीडियो आ चुका है, सामने वीडियो आ रहा है, लेकिन वीडियो कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा नहीं है उल्टा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है उस समय, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर इस समय, आयरन का वायर निकल गया है, ये वायर उल्टा कर देना है। अभी जो मेरा पिक्चर उल्टा आ रहा है तो मुझे वर्टिकली उल्टा करना है, तो मेरा आयरन थोड़ा हीट नहीं है, मुझे ये दोनों वायर को उल्टा करना है, इधर वाइट वाला मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस तरीके से वाइट वाला वायर यहाँ लग गया और ब्लैक वाले को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ब्लैक वाला मेरा वायर यहाँ पर लग गया है, वाइट, अभी मैंने दोनों वायर को एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो अभी मुझे टीवी को वापस से चालू करके वापस से वीडियो देखना है किस तरह से आ रहा है वीडियो। अभी आप देख सकते हैं कि वीडियो सीधा हो गया है, लेकिन इसके अंदर ब्राइट थोड़ा कम दिख रहा है, मुझे यहाँ से ST घुमा के ब्राइटनेस का बढ़ाना पड़ेगा। ST में जो फोकस एडजस्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर मुझे फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मेरा फोकस एडजस्ट हो गया है और ब्राइट भी हो गया है। तो मुझे अभी आप यहाँ से अब ये दोनों जो नॉब दिया है यहाँ पर, एक तरह का ST के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो आप इससे क्या करते हो, पिक्चर को जो ब्राइटनेस है कॉन्ट्रास्ट है, इससे आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि फोकस, और इससे आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीन बोलते हैं इसको, और इसको फोकस बोलते हैं, इसके आप ब्राइट कर सकते हैं, इससे आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखता हूँ मैं चैनल चेंज करता हूँ मुझे कैसा दिखता है, आप देख सकते हो लाइनिंग दिख रही है हल्की हल्की, जैसे मैं चैनल चेंज करता हूँ मुझे लाइनिंग दिख रही है, तो मुझे वो लाइनिंग हटाना है। तो मैं जो ST का जो स्क्रीन का वायर है उसको मैं कम करूँगा यहाँ से, आप देख सकते हो मैं कैसे कम कर, इस तरह से मैंने स्क्रीन का वायर कम कर दिया, अभी आप इसको लाइनिंग नहीं दिख रही हो, तो आपको स्क्रीन का वायर ही कम करना है, स्क्रीन का जो नॉब है उसको घुमा के आपको स्क्रीन कम कर देना है। अभी आप दूसरा फॉल्ट देख सकते हो इसके अंदर कि पिक्चर बड़ा आ रहा है, पिक्चर काफ़ी बड़ा रहा है, तो मुझे सर्विस मेनू खोल के इसका पिक्चर का हाइट जो है कम करना पड़ेगा साइज। तो यहाँ पर मुझे इसका सर्विस मेनू खोलना पड़ेगा। तो ये मेरा TV के साथ ओरिजिनल आया है, ये मैं अपने सर्विस के लिए रखा हूँ, ताकि मैं कहीं भी इसका सर्विस मोड खोल सकूँ, किसी भी टीवी का मतलब चाइना का TV का, जो भी TCL का सर्किट आती है उसका। तो इसका सर्विस मोड खोलने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक होल बना रहता था, मैंने ये पूरा पट्टी ही ऊपर का हटा दिया है, तो मुझे ये बटन प्रॉपर नज़र आ चुका है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कोई भी स्क्रूड्राइवर से प्रेस करता हूँ तो सर्विस मेन्यू ओपन हो जाता है, आप स्क्रीन देखिए मैं प्रेस करता हूँ इधर, तो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि पूरे स्क्रीन पे सर्विस मेन्यू खुल गया है। तो अभी मैं यहाँ पर साइज में आता हूँ, साइज मतलब सेकेंड ऑप्शन, वी साइज लिखा है आपको यहाँ पर, वी साइज, तो मैं सेकेंड ऑप्शन में जाके इसका साइज कम करता हूँ। पहले आप देख सकते हो साइज इसका कम हो गया है, इस तरह से इसका पोजीशन में एडजस्ट कर लेता हूं एक बार, ऊपर नीचे इस तरह से, थोड़ा मैं ऊपर चला गया हूं और लाइन का, हाँ
इसको थोड़ा नीचे कम सम है। इस तरीके से मेरा जो हाइट है वो सेट हो गया अभी, तो मैं थोड़ा यहाँ से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्राइटनेस उल्टा दिख रहा था, तो मैं यहाँ ब्राइटनेस पहले बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ताकि पिक्चर अच्छा दिखने लगे, और कलर थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि बहुत सारा कलर दिखाए, ज़्यादा कलर दिखाए। अभी आप देख सकते हो पिक्चर काफ़ी अच्छा दिखने लगा है, तो थोड़ा और भी एडजस्टमेंट करना रहता है, आप उसे एडजस्ट करके आप पिक्चर की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप पिक्चर की क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि काफ़ी अच्छा दिखने लगे और भी। इस तरीके से अभी मेरा सेटिंग सब हो गया है, अभी मैं यहाँ से चैनल चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि पिक्चर काफ़ी प्रॉपर तरीके से भी दिखने लगा है। तो पिक्चर अभी सही दिख रहा है, तो मुझे कोई सीरियल का चैनल लगा के मुझे और भी हाइट अभी एडजस्ट करना बाकी है, तो हाइट मुझे एडजस्ट करने के लिए कोई सीरियल का चैनल मिलेगा। पिक्चर आ रहा है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा पिक्चर जो है नीचे आया है। एक सीरियल का चैनल है, सीरियल मतलब इसमें कुछ प्रोग्राम आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है वो कम दिख रहा है, मतलब पिक्चर ऊपर नीचे से कट आ रहा है। तो मैं इसको सर्विस मैन्यू खोल के वापस से पिक्चर का साइज प्रॉपर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं वापस से सर्विस मैन्यू में जाता हूँ, फैक्ट्री लिख के आ गया है आपके सामने, फैक्ट्री मतलब सर्विस मोड ओपन, सर्विस मोड जो है ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पर साइज पर जाऊँगा, यहाँ पर कलर का आ गया है, तो कलर के पास साइज का आया, तो साइज में मेरे को जाके वी साइज में मुझे जाना है, और उसके बाद मुझे पिक्चर को बड़ा करना है इस तरीके से। अभी पिक्चर पूरी तरह से बढ़ गया है, अभी पिक्चर सही आ रहा है। आपको ऊपर नीचे साइड में सभी को एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आपको पिक्चर सही नज़र आएगा। तो इस तरह से पिक्चर एडजस्ट हो गया है। अभी मैं कोई चैनल चेंज करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से है, आप देख सकते हो पिक्चर भी प्रॉपर आने लगा है। मैं यहाँ पर पहले एवी का बाहर निकाल कर दिखाता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो कि पूरा पिक्चर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। यहाँ पर कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं मैग्नेट रहेगा, या फिर यहाँ पर मैंने डिगोजिंग का वायर नहीं लगाया इसलिए कलर आ रहा है। इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, वापस से वीडियो लगा देता हूँ इस तरह से। स्पीकर को वायर नहीं लगाया इसलिए साउंड नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप नया सर्किट इंस्टॉल कर सकते हो सीआरटी टीवी में, ये सब सर्किट मार्केट में इजीली मिल जाता है आपको। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा। और हाल ही में मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक है, सीआरटी है, एलसीडी एलईडी है, तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो उसके बारे में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करो, ताकि उसमें हमने 25 मेंबर्स का ही लक्ष्य रखा है, लास्ट फर्स्ट बैच के लिए 25 मेंबर्स, और उसके बाद अगर नंबर बढ़ते हैं तो दूसरा बैच भी बनाया जाएगा। तो अगर आपको सीखना है उसे कैसे रिपेयर करते हैं, टीवी में जितने तरह के फॉल्ट आते हैं सीआरटी में, तो आप उस पर सीख सकते हो। आपका बेसिक जो क्लियर नहीं है, जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड सब कैसे वर्क करते हैं, उसका फुल डिटेल आपको मिलेगा। तो ये कोर्सेस पूरा 45 डेज का है, 30 डेज आपका बेसिक और सीआरटी कवर होगा, उसके बाद 15 दिन के लिए आपको एलसीडी एलईडी है। तो आपको सभी कोर्सेज अगर ज्वाइन करना है सर, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आपको फ़ोन करना है, फ़ोन करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, और वहाँ से आपको कोर्सेज ऑनलाइन ही सिखाया जाएगा, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कोर्स को कर सकते हो। तो फीस भी काफ़ी कम है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरा जो नंबर है वो 8286130135, आप इस नंबर में मुझे कॉल करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जल्द से जल्द आप कराएं, क्योंकि जो कोर्सेस हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन मैं शायद 28 को बंद कर दूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो,
तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।